और काफी नेपाली लोग आए हुए थे। उसको लगता है वो बैल को खाना देती है, उसको लगता है मेरे लिए खाना ला रहे, नहीं पता चल रहा था। वो चीज थोड़ा खटक रही थी कि मूवीज होती है उससे कंपैरिजन की बात करें करना हो 10 में से तो मैं उसको 100% बॉलीवुड के कंपैरिजन किंग प्रदीप खटका की थी। सैल्यूट करना चाहूंगा होगी कमाई, लोग जो करोड़ों में बनाते हैं उसको सस्ते में बनाया गया, उस बजट का 10 गुना दिया मूवी ने। तो भाई आज है 23 सितंबर, यानी आज रिलीज होगी प्रेम गीतरी, और मैंने कल रात को ही टिकट किया था। और मूवी यार बहुत एक्साइटेड हूँ मैं भी देखने के लिए, क्योंकि फर्स्ट इंडो नेपाल मूवी है, मजा आएगा देखने में लिटरली। और आज पता चलेगा कि मूवी कैसी है। मेरा शो है करीबन 12:30 पर मूवी स्टार्ट होगी, और यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर मुझे जाना है मूवी देखने के लिए। 2 ही सिनेमा हॉल्स हैं जहाँ पर ये मूवी लगी हुई है, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे सिनेमा हॉल्स हैं। और कल रात को ही मैंने देखा कि जो 2 सिनेमा हॉल में लगी थी मूवी उससे करीबन आधे से ज़्यादा टिकट सोल्ड आउट हो चुके थे। तो मुझे थोड़ा सा लेट हो रहा है अभी। अगर जाम मिला मुझे तो मैं लेट हो जाऊंगा, और अगर जाम नहीं मिला तब तो मैं बच जाऊंगा। कोशिश करूंगा टाइम पे पहुंचूंगा, क्योंकि अगर मूवी छूट जाएगी तो मजा किरकिरा हो जाएगा यार। बहुत वॉट लग गई है और मेरे को लग रहा है मैं लेट हो जाऊंगा, क्योंकि अभी 15 या 20 मिनट बाकी हुए हैं। 40 सेकेंड तो यहीं पर मेरे को खड़े होना पड़ेगा, ये ट्रैफिक नियम भी। चलो थोड़ी देर में शायद पहुँच जाएंगे अभी। तो ये आ चुका है हमारा सिनेपोलिस, तो मैं पहुंच चुका अभी पार्किंग में और मेरे को लेट हो गई है। तो गया 12:35 पे शो था। स्क्रीन 8 किधर पे? एक साथ। तो यार मेरे को स्क्रीन भी नहीं मिल रही है। चलो मूवी देखा गया हूँ मैं, तो आखिर में पहुंच ही गया, थोड़ा सा लेट हुआ है मुझे। तुम्हारे कारण इस गांव में खून की नदियां बह रही है, चले जाओ यहां से प्रेम। अभी इंटरवल हो गया है मूवी का, तो आप लोग देख सकते हो हॉल में काफी लोग हैं। एग्जिट किधर से भैया? एग्जिट। तो भाई बारिश भी होने लगी है, और मूवी यार की बात मैं गाड़ी को ड्राइव करते हुए बताऊंगा। अभी यहाँ से निकलता हूँ। एक वेज बर्गर कर देना, पैक करना है, पैक कर देना एकदम। तो लेट मैं गाड़ी में। तो मैंने जस्ट मूवी देखी है और थिएटर से मैं निकला हूँ, क्योंकि अभी भीड़ हो जाती है थिएटर में, तो मैंने सोचा कि निकल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर बारिश भी हो रही है जैसा कि मैं दिखा पा रहा हूँ। तो बारिश हो रही, तो मैंने सोचा कि कार में ही बात करेंगे कि मूवी कैसी लगी, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी भीड़ थी तो मज़ा नहीं आता। तो मैंने वही सोचा कि चलो बैठते हैं, खाते हैं, उसके बाद बात करते हैं कि कैसी रही मूवी। इसीलिए मैंने पैक करवा लिया बर्गर एक। अगर मूवी की बात करें तो स्टार्टिंग में मेरी मूवी थोड़ी छूट गई थी तो मज़ा नहीं ले पाया, लेकिन स्टार्टिंग जो है ना काफ़ी मजाकिया हुई थी। मैंने देखा था कुछ पंचेस थे जो कि हंसी आ रही थी लिटरली, जब वो खाना लाता है और उसको लगता है वो बैल को खाना देती है, उसको लगता है मेरे लिए खाना ला रहे, तो ये सारी चीज़ें थी जो कि थोड़ा सा ऐसा मज़ा आई थी देख के। और दूसरी चीज़ मुझे वो शादी जब उनकी होने जा रही थी तो वो ऐसा चावल का सर्कल बनाते हैं और मक्का बोलते शायद, वो मकई के दाने फेंकते हैं, बोलते हैं 4 दाने गिरते तो बोलते हैं 4 दिन बाद शादी होगी, अभी तो मुझे हंसी आ जाती है उस पर थोड़ा सा। तो मूवी यार मजाकिया थी, मतलब स्टार्टिंग तो मुझे अच्छी लगी मूवी की, उसके बाद बीच में थोड़ा सा बोरिंग लगी, उसके बाद फिर मुझे अच्छी लगी मूवी। यहाँ पर एक क्रेन चल रही है, मेरे को डर लग रहा है मेरे ऊपर से गई है वो। यहाँ पर दिखाता हूँ आपको। देखो मुझे पर्सनली तो मूवी बहुत पसंद आई, मतलब अच्छी थी, वन टाइम वॉच थी कि मूवी जाके देख सकते हो। दूसरी चीज़ ये थी ना कि मूवी के जो है ना सीन्स बहुत अच्छे थे, तो सीन्स में पता ही नहीं चल रहा था कि मूवी में कुछ जो भी चीज़ थी वो छिपी जा रही थी एक तरह से उस सीन के चक्कर में, क्योंकि सीन एकदम नेचुरल थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और बड़ी स्क्रीन पे सच में ज़बरदस्त लग रहे थे, जिसकी मैं बात कर रहा था कि बड़ी स्क्रीन पे देखेंगे तो मज़ा आएगा, तो लिटरली उस चीज़ का बहुत मज़ा आया, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे वो सीन्स बहुत प्यारे लग रहे थे, वो हिमालयस काफ़ी प्यारा लग रहा था। दूसरी चीज़ मुझे ये खटकी थोड़ी सी कि वो जो संतोष था उनका रोल एकदम से ऐसे आ जाता था और एकदम से चला जाता था, समझ में नहीं आया कि उनका रिलेशन क्या था, या तो रहते तो पूरे समय तक रहते उनके साथ तो थोड़ा देखने में लगता, एकदम से घोड़ा लेके आते हैं बचाने और चले जाते हैं, फिर बचा के पता नहीं कहाँ सबको छोड़ आते हैं, उसके बाद फिर वो खुद दिखते ही नहीं है सीन में। ऐसा लग रहा था कि संतोष को ज़बरदस्ती डाला गया है, और वो मतलब मूवी में थे नहीं, ऐसा लग रहा था कि ज़बरदस्ती डाला गया।
तो वो चीज़ एक खटकी मूवी में। बाकी गाने तो यार हॉल में बहुत अच्छे लग रहे थे, सीन्स बहुत प्यारे लग रहे थे, मूवी ओवरऑल अच्छी लगी। और जितना मैं देख रहा था कि लोग भी काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहे थे मूवी को, जितने भी लोग आए थे मोस्टली इन्जॉय ही कर रहे थे मूवी को। मूवी लगी है जो बॉलीवुड की मूवीज़ होती है उससे कंपैरिजन की बात करें तो हाँ, उसके कंपैरिजन की मूवी थी। और अगर मुझे इस मूवी को मतलब कि रेट करना हो 10 में से, तो मैं उसको 7 या 8 नंबर दूंगा, क्योंकि मुझे उसी कैटेगरी के लिए। लेकिन मेरे को सीरियस मत लेना, क्योंकि मेरे जो है ना मूवी रिव्यूज़ कोई मैं बहुत बड़े महारत हासिल नहीं करके रखा हूँ। क्रेन यार फिर ऊपर से जा रही है गिर ना जाए, तो मुझे कोई महारत हासिल नहीं है कि मूवीज़ की रिव्यू करने में। लेकिन मतलब मैं जैसे एज एन ऑडियंस बोलता हूँ तो मैं 7 या 8 नंबर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं वैसे भी इतनी मूवी देखता नहीं हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर इतने सारे नेपाली लोग होंगे और इतने सारे नेपाली लोग मूवी देखने आएंगे, तो मुझे लगा था कि कम लोग ही यहाँ शायद आएंगे, लेकिन काफ़ी ज़्यादा हॉल भर गया था, काफ़ी सारे लोग थे। तो यही था कि टिकट्स बुक्स थे अच्छे खासे, और शायद जब ये चीज़ें जाएंगी तो और सारे लोग देखने आएंगे। और मैं कहूँगा अगर आपने देखा नहीं तो जाके देखो यार, एक बार वॉच करने वाली मूवी है, अच्छी है मूवी, फर्स्ट इंडो नेपाल मूवी थी, मज़ा आया। मतलब मुझे लगता है अब नेपाली मूवी और ज़्यादा डाली जा सकती हैं, और ये मूवी मुझे कहीं से भी अलग नहीं लगी कि ये बॉलीवुड के मूवी के कंपैरिजन में नहीं थी। ये 100% बॉलीवुड के कंपैरिजन की मूवी थी, उससे अच्छी मूवी थी और सारी ही चीज़ें अच्छी थी। गीत मुझे बहुत अच्छी लगी, यानी क्रिस्टीना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वो तो पहले से ही मुझे अच्छी लग रही थी। और सबसे अच्छी एक्टिंग प्रदीप खटका की थी, सैल्यूट करना चाहूँगा प्रदीप खटका को, उनकी एक्टिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी यार मूवी में। क्रिस्टीना गुरुंग की बात करूँ तो एक्टिंग अच्छी थी, लेकिन प्रदीप खटका और क्रिस्टीना गुरुंग का अगर मैं कंपैरिजन करूँगा तो हाँ, प्रदीप खटका की एक्टिंग ज़्यादा ज़बरदस्त थी, ज़्यादा अच्छी थी। अगर मुझे 10 में से रेट करना होगा तो 9-10 नंबर दूंगा, उनकी एक्टिंग अच्छी थी। बस एक चीज़ है कि बहुत ज़्यादा शोज़ इसके नहीं लगे हैं, सुबह के ही शोज़ मिल रहे हैं मुझे, तो अभी सुबह के ही शो मिले हैं, और मुझे करीबन 10-12 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ा, जो कि पास के सिनेमा घरों में नहीं मिला मुझे शो। तो बस ये एक चीज़ कमी थी, ज़्यादा स्क्रीन शायद नहीं मिली, और पहली मूवी थी तो ज़्यादा स्क्रीन नहीं भी मिली, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, देखना था कि कैसा रिएक्शन रहता है पब्लिक का। तो मैं कहूँगा पब्लिक का रिएक्शन अच्छा ही आया होगा, और 1-2 दिन और लगेगी तो ठीक ठाक होगी कमाई। और एक और चीज़ थी कि सेट जो था मूवी का वो और अच्छा हो सकता था, लेकिन यार फिल्म का बजट भी तो देखो, अच्छा खासा बजट नहीं था कोई, एक बॉलीवुड मूवी के हिसाब से लोग जो करोड़ों में बनाते हैं उसको सस्ते में बनाया गया, तो उस बजट के हिसाब से मतलब उस बजट का 10 गुना दिया है मूवी ने। तो मुझे लगता है कि हाँ, एक पैसा वसूल मूवी थी, बनाने में भी और देखने में भी। एज अ यूज़र मुझे देखने में मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने 175 रुपये लगा कि मूवी देखा तो ख़राब मूवी देखा है, मज़ा आया देख के। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर आपने मूवी नहीं देखी तो जाओ यार अभी देखो जाके फटाफट से, मूवी अच्छी है, मज़ा आएगा देखने में। और नेपाली हो तो प्रेम गीत का यार फ़ैन हो गई। और साथ ही साथ कमेंट करके बताओ अगर आपने देखी है तो कैसी लगी आपको मूवी, मुझे आपके भी रिव्यूज़ चाहिए कि कैसी लगी, उसके हिसाब से मैं भी अंदाज़ा लगाऊंगा। क्योंकि अगर एक नेपाली सिनेरियो में जो मूवी बनती है उसके बारे में बताओ मुझे कि नेपाली में जितनी मूवी बनती है उस कंपैरिजन में कैसी मूवी लगी तुमको। साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताना कि प्रेम गीत 1 अच्छी थी, प्रेम गीत 2 अच्छी थी, या फिर प्रेम गीत 3 अच्छी थी, तो इन तीनों में से कौन सी सबसे अच्छी लगी आपको, ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अभी मैं निकलता हूँ यार घर के लिए, तो चलो मिलते हैं।